भी मौजूद है। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है। प्रधानमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो सम्मेलन था, जो बैठक था, उसको समाप्त करने के बाद अब उनका अगला कार्यक्रम है। साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो इस स्वरवेद मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, जो लोग हैं, उनसे वो वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री स्वरवेद मंदिर पहुँच चुके हैं, और जिस तरह से अभी हमारी संवाददाता रीमा पाराशर जानकारी दे रही थी कि इस मंदिर में भ्रमण करेंगे, इसकी बारीकियों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बेहद खूबसूरत और बेहद अलौकिक, अनोखा बना हुआ है ये मंदिर। बेहद दिव्य और भव्य स्वरूप है इसका। आपने अभी देखा कि किस तरह से कमल का गुंबद इसका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारी संवाददाता रीमा पाराशर भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो और ज़्यादा जानकारी देंगी। ये इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है रीमा, निश्चित तौर पर इसको बड़े ही जतन से बनाया गया होगा, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से आगे बढ़ा, बरबस मन को मोह लेने वाला है ये मंदिर। बिल्कुल, देखिए निगाहें हटती नहीं है, और जिस तरह की वास्तुकला का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह के आर्किटेक्चर को यहाँ पर बनाया गया है, इसीलिए इतना समय भी इसमें लग रहा है क्योंकि एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। जिस तरह की यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं, बाहर अगर हम परिसर की बात करें तो उन सब में योग की अलग अलग मुद्राओं का वर्णन किया गया है, और उसके अलावा जो चेहरे पर एक शांति का की भावना दिखाई देती है जब आप योग करते हैं, चेहरे पर जो तेज आता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और उस परिसर की तरफ अब प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं जहाँ पर की इस पूरे कार्यक्रम से पहले उन्हें जाना है। मंदिर परिसर के अंदर प्रधानमंत्री जा चुके हैं, और वहां पर जो सद्गुरु हैं उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद तमाम जो वास्तुकला का प्रतीक ये भव्यता लिए हुए मंदिर बनाया हुआ है उसको देखेंगे, और फिर जो बाहर का पूरा आर्किटेक्चर है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों के हमने देखा है कि काफी ज्यादा उनको अट्रैक्ट भी करती हैं ये चीजें, और उनको वो बढ़ावा भी देते हैं। इस वास्तुकला की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाहिर तौर पर ये देखेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ जो अनुयायी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, शंखनाद के साथ में स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का यहाँ पर, और इस वक्त परिसर के अंदर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। देखिए मंत्रों की आवाज से आपने देखा होगा कि वातावरण को शुद्ध किया गया है, और वातावरण पूरी तरह से अब यहाँ पर शुद्ध हो चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ सभी अनुयायी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ओम की ध्वनि के साथ ये बात जो शुरू हुई, जिस तरह से स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया, और इस वक्त प्रधानमंत्री अब परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। जी बेहद महत्वपूर्ण ये एक क्षण है रीमा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त सदा फलदेव, महर्षि सदा फलदेव की मूर्ति के समक्ष संभवता है और उनको वो नमन कर रहे हैं। महर्षियों का, संतों का न सिर्फ नमन करना, उनके साथ में एक आध्यात्मिक संबंध जोड़ना, ये प्रधानमंत्री की एक विशिष्ट शैली है, एक कला है, और शायद यही वजह है उनको इतनी ऊर्जा मिलती है इस तरह के जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए। बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण है, और इस वक्त स्वर लहरियां गूंजती हुई तमाम जो वेद पाठी लोग हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो सस्वर उच्चारण कर रहे हैं इस वक्त तमाम वेद मंत्रों का। हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया सस्वर गान के साथ में, स्वास्तिक गान के साथ में, और अब वो इस मंदिर परिसर को का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। बिल्कुल देखिए आगे बढ़े हुए हैं, और ये जो हमने वेदों का यहाँ पर उच्चारण
तो प्रधानमंत्री ने इस पूरे विहंगम योग संस्थान का दौरा किया, इस सर्ववेद मंदिर का दौरा किया, और अब वो दोबारा अपनी गाड़ी पर